नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? बच्चों बताओ, यह किस चीज का चित्र है? सही पहचाना तुमने, यह झूला है। और हम सबको झूला झूलना तो बहुत पसंद आता है। तुम भी कभी ना कभी मेले में या बगीचे में या स्कूल में लगे झूले में झूलते होगे। पर सोचो बच्चों, क्या हमारी तरह जानवरों या पशु पक्षियों को भी झूला झूलना अच्छा लगता होगा? और क्या ये भी कभी झूला झूलते होंगे? यदि झूला झूलते होंगे तो ये किस चीज का झूला बनाते होंगे? जानना चाहोगे? तो चलो, आज ऐसी ही एक कहानी मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ, जो तुम्हारी कक्षा पहली की हिंदी पुस्तक के पाठ 17 बंदर और गिलहरी में दी गई है। इसे पढ़कर जानते हैं कि कौन झूला झूल रहा था और यदि कोई झूला झूल रहा था तो उन्होंने किस चीज का झूला बनाया, और झूला झूलने पर बंदर ने गिलहरी को क्या कहा होगा। तो आओ, यह पाठ पढ़कर मैं तुम्हें सुनाती हूँ। बच्चों पहले तुम ध्यान से सुनना, उसके बाद इस पाठ को तुम भी मेरे साथ दोहराना। तैयार हो ना? ठीक। पाठ 17, बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे एक पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो बच्चों, ये मजेदार कहानी पढ़कर तुम्हें भी मजा आया ना? आओ अब इस कहानी को तुम मेरे साथ पढ़ो। ध्यान से देखना बच्चों, और साथ में पढ़ना। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे एक पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ से जुड़े कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। अब देखो, इस अभ्यास कार्य में है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न क्या है? बंदर कहाँ सोया था? याद है ना तुम्हें कहानी में क्या बताया गया था? शाबाश, इसका उत्तर है बंदर पेड़ पर सोया था। अगला प्रश्न है बच्चों, जमीन पर उछल कूद कौन कर रही थी? इसका उत्तर है, जमीन पर गिलहरी उछल कूद कर रही थी। अगला प्रश्न देखो बच्चों, गिलहरी झूला किसे समझ रही थी? सही कहा तुमने, इसका उत्तर है, गिलहरी बंदर की पूंछ को झूला समझ रही थी। अगला प्रश्न है, गुदगुदी किसे हो रही थी? शाबाश, इसका उत्तर है, गुदगुदी बंदर को हो रही थी। अगला प्रश्न है, गिलहरी को झूला झूलकर कैसा लगा?
वैसा ही जैसा तुम सबको झूला झूल कर लगता है। इसका मतलब, इस प्रश्न का उत्तर है, गिलहरी को झूला झूल कर मजा आया। आओ बच्चों, अब हम कुछ गपशप करते हैं। अब तुम्हें इसमें बताना है कि जैसे इस पाठ में बताया गया था, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी। सोचो कौन कौन सी चीजें लंबी होती हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी जैसे सड़क। और क्या हो सकता है? बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी जैसे बिजली का खंभा। ऐसे तो तुम और भी चीजें सोच सकते हो, कौन कौन सी चीजें लंबी होती हैं, है ना? अब चलो बताओ, यदि हम चूहे के बारे में बात करें और सोचें कि चूहे की मूछें इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे। तुम बताओ कौन कौन सी चीजें घनी होती हैं। हाँ, जैसे सिर के बाल। और अब बताओ, यदि हम भालू के बारे में बात करें, तो भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे बोरा। और क्या हो सकता है? भालू इतना मोटा था जैसे टंकी। और तो तुम भी सोच सकते हो, ठीक है? तो तुम सोचो भालू कितना मोटा रहा होगा। अब बताओ, जैसे ऊंट के बारे में हम बात करें, ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि पहाड़। और सोचो और कौन सी चीजें ऊंची होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ गृह कार्य करते हैं। इसमें मैं तुम्हें पहला प्रश्न दे रही हूँ कि जानवरों में उछल कूद कौन करता होगा, तुम्हें बताना है। बताओ, जैसे यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट। इन जानवरों के नाम को पढ़ो और ये बताओ इनमें से कौन उछल कूद करता होगा, और उसे हमें इन दो अलग अलग खंडों में लिखना है। जैसे उछल कूद करते हैं और उछल कूद नहीं करते। जैसे गाय को देख ले, गाय उछल कूद करती है क्या? हमेशा उछल कूद नहीं करती ना गाय, तो इसलिए इसका हम कौन से खंड में लिखेंगे? उछल कूद नहीं करते वाले खंड में लिखेंगे, ठीक है? अब इस तरह से बाकी और जानवरों को तुम खुद सोचो, और उसके बाद इन्हें किस खंड में आना चाहिए यह सोचो और लिखो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दो, बंदर का चित्र बनाओ। और ये काम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। हमने पिछले एक पार्ट में बंदर का चित्र बनाना सीखा था ना? ठीक, वैसे ही तुम बंदर का चित्र बनाओ। और एक चित्र बनाना आज तुम्हें मैं और बताती हूँ कि बंदर का चित्र हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों? चलो आओ बच्चों, अब हम बंदर का चित्र बनाना सीखें। ये मैं तुम्हें बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। क्या करना है तुम्हें? इस तरह पहले एक चिन्ह बना लो, ठीक है? दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक चिन्ह बना लो, इसे गुणा का चिन्ह भी कहते हैं ना, ऐसा ही लगभग दो लकीरों को काटते हुए चिन्ह बना लो। फिर इसके बाद ध्यान से देखो, नीचे तुम्हें कुछ और ऐसी लकीरें खींचनी पड़ेंगी। अब हम बनाएंगे बंदर का शरीर। तो पहले शुरू के दो किनारों को जोड़ते हुए थोड़ा सा ऐसा उठाना है। इसके बाद इस सिरे को उठा दो ऐसा, ठीक है? ये बन गया बंदर का शरीर। अब हम बनाएंगे बंदर का मुंह। अब इसमें इसकी आंखें बना दो, इसके मुंह बना दो, इसके कान बना दो। दिख रहा है ना कुछ कुछ बंदर जैसा? इसके पंजे बना दो ये। और अब क्या बच गया? अब बच गई बंदर की पूंछ। तो अब ये तुम बंदर की पूंछ बना दो।
दिख रहा है ना दौड़ता हुआ बंदर? अब ऐसे ही तुम बंदर के चित्र बनाकर उस पे रंग भरो। ऐसा ही तुम बंदर का और भी चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। बच्चों, गृह कार्य का अगला प्रश्न है, ये क्या क्या चीजें खाते हैं बताओ। बंदर कौन कौन सी चीजें खाता होगा और गिलहरी कौन कौन सी चीजें खाती होगी? जैसे बंदर केला खाता है और गिलहरी भी अमरूद खाती है, केला भी खा लेगी। अब सोचो और लिखो यहाँ पे, बंदर क्या क्या खाता है और गिलहरी क्या क्या खाती है। ठीक है बच्चों, जल्दी ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए तुम घर पर पढ़ाई करते रहो और ये मज़ेदार कहानी अपने घर के लोगों को भी पढ़कर सुनाओ। ठीक है बच्चों।